प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संबल देने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। इसी के तहत सखी योजना के अंतर्गत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सखी वन स्टॉप सेंटर योजना शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा से पीड़ित अल्प शिक्षित पीड़ित महिलाओं के लिए है। सामाजिक सुरक्षा तथा अबला महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर हिंसा से प्रभावित वो महिलाएं जो अपने कार्य क्षेत्र में, घर में या किसी भी प्लेस पर परेशान है किसी तरह की हिंसा, चाहे वो डोमेस्टिक वॉयलेंस है, रेप है, स्ट्रीट ट्रैफिकिंग है, बाल विवाह है, दहेज है, किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं उन महिलाओं के लिए जो हिंसा से प्रभावित है, यहाँ पर उनके लिए सुविधा है। अब दहेज, घरेलू हिंसा या अन्य कारणों से पीड़ित महिलाओं को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की ओर से उन्हें सखी वन स्टॉप सेंटर में कानूनी सलाह से लेकर रहने और खाने तक की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जिले का पहला सेंटर जिला अस्पताल परिसर में संचालित है। यहां अब तक करीबन 96 मामले आए हैं, जिनमें से 82 विवादित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। यहाँ आने वाली महिलाओं को सबसे पहले काउंसलर की मदद से काउंसलिंग की जाती है। इसके बाद दूसरे पक्ष को बुलाकर उनके बीच वार्ता करवाई जाती है। बात जब काउंसलिंग से भी नहीं बन पाती है तो बकायदा महिलाओं की तरफ से अधिवक्ता न्यायालय में परिवाद दायर कर उनके कानूनी हक पर लड़ाई लड़ते हैं। पहली बात तो कोई ज़्यादा बड़े मामले नहीं होते, घरेलू मामला होता है जिसके कई तो बहुत बड़े मामले होते हैं जिनका तो काउंसलिंग से कुछ नहीं बनता, लेकिन कई छोटे छोटे मामले होते हैं प्यार से समझाने से। कुछ बच्चों का बच्चे होते हैं कि नहीं किसी के, तो उनके बारे में बता के बोल के जैसे उनको आगे बढ़ने की थोड़ी सी दे के प्रेरणा, तो इसी हिसाब से वो समझ जाते हैं कि हाँ नहीं हमारा ठीक है कि सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि यही चीज़ काउंसलिंग में ज़्यादा जोर दिया जाता है। गंगानगर के सखी सेंटर में अब तक अधिकतर मामले उनकी काउंसलिंग से निपटाए जा चुके हैं। एक परिवार पिछले कई दिनों तक बहू की छोटी छोटी बातों में कमियां निकालकर बिखराव की स्थिति में आ चुका था, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर में मिली काउंसलिंग के बाद अब इनका घर फिर से बस गया है। ईटीवी भारत के लिए श्रीगंगानगर से सतवीर सिंह की रिपोर्ट।